और सिर्फ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करना है, मीन्स नेटवर्क एनालिसिस वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है, इसलिए एक केस में वो तुमको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के सर्किट में जब हम संट में डायोड कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम क्लैंपर्स करेंगे। संट क्लिपर, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है, संट क्लिपर्स क्लिपर के वो टाइप हैं जहां डायोड जस्ट क्लिपिंग एलिमेंट संट में कनेक्टेड होता है। तो हम एक केस कंसीडर करते हैं, उस केस क्या होगा जिसमें डीसी वोल्टेज भी है प्रेजेंट। ये क्लिपर मैंने कंसीडर किया है, दिस इज रेजिस्टेंस आर, बायस वोल्टेज VV, इनपुट वोल्टेज Vin, वेयर Vin इज साइनसोइडल, दिस इज Vin, ओके। वी आर कैलकुलेटिंग आउटपुट अक्रॉस दिस टर्मिनल, दिस इज Vo। तो यहाँ चेंज क्या हुआ, डायोड शंट में आ गया, रेजिस्टर मैंने सीरीज में कर दिया, ठीक है। ओनली डिफरेंस इज दिस कि ये इंटरचेंज हो चुके हैं और एक सप्लाई। तो इनिशियली आप चाहो बिना सप्लाई के साथ भी केसेस कर सकते हो, ठीक है, वो सिंपलेस्ट केस होगा, इसलिए उसको मैंने कंसीडर नहीं किया है। अब यहाँ पे भी एनालिसिस बिल्कुल सेम है जैसा हम लोगों ने पहले किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायोड की स्टेट चेक करेंगे, ठीक है, मतलब डायोड की स्टेट, कब डायोड ऑन होगा कब ऑफ होगा वो कंस्ट्रेंट फाइंड करेंगे। तो मुझे जल्दी से जल्दी केवीए लगा के बताओ आप लोग कि सेम एनालिसिस को पहले पॉजिटिव साइकिल कंसीडर करके हम केवीएल लगाएंगे और कंस्ट्रेंट निकालेंगे। तो डायोड के ऑन होने का कंस्ट्रेंट क्या होगा, यहाँ कोई बता सकता है, कब डायोड ऑन होगा कब ऑफ होगा? हाँ बताओ जल्दी, केवीएल अप्लाई करो और कंडीशन बताओ मुझे, डायोड ऑन कब होगा और ऑफ कब होगा? किसी ने कंडीशन कैलकुलेट, ओके चैट में, Vin ग्रेटर देन VB पे, ठीक है, सेम एनालिसिस, Vin माइनस VB ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि Vin माइनस VB अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव वोल्टेज होगा और वो P से कनेक्टेड है, तो कंस्टेंट होगा Vin माइनस VB ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होगी डायोड के ऑन होने की। दिस इंप्लाइज डी ऑन होगा, डायोड ऑन, और अगर डायोड ऑन है तो हम रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। तो अगला एनालिसिस होगा आउटपुट कैलकुलेशन का। अब मुझे बताओ ये सर्किट होगा उस कंस्ट्रेंट में जब Vin ग्रेटर देन VB है, डायोड शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे बायस वोल्टेज VB, ये आउटपुट वोल्टेज है, तो इस केस में आउटपुट कितना होगा? This is R, this is V. What is V naught in this case? इस केस में V naught कितना होगा? बताओ, कैलकुलेट करना आसान है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, एम्प्टी स्टेट में क्यों? क्या होगा आउटपुट? किसी ने भी कैलकुलेट किया? हाँ, VB जीरो, और बाकी लोग बताओ चैट बॉक्स में, बताओ मुझे, सभी लोग बताओ आंसर, मुझे सभी से सही है ना, ऑलमोस्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि टॉपिक सीरीज में हम लोगों ने सब एनालिसिस किया हुआ है।
इस केस में आउटपुट क्या होगा? वी नॉट, ये है वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू बताओ मुझे चैट बॉक्स में, बताओ सभी लोग। वी नॉट इक्वल टू वी 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 वी, ठीक है। सार्थक जीरो नहीं होगा, है ना, ये दिख रहा है, ये पैरेलल में वी नॉट के पैरेलल में वी वी है, तो वी नॉट इक्वल टू वी वी। हाँ, सभी लोगों का आंसर ठीक है, वी 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 के बराबर होगा। सेकेंड केस, जब वी इन लेस देन वी वी है, इसका मतलब डायोड ऑफ कंडीशन में। इस समय बताओ मुझे वी नॉट कितना होगा, मैं सर्किट यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। रेसिस्टेंस, डायोड ओपन सर्किट, बैटरी कनेक्टेड, दिस इज वी नॉट, दिस इज वी, दिस इज आर। इस केस में मुझे वी नॉट कैलकुलेट करके बता दो जरा जल्दी से। इस केस में आउटपुट क्या होगा? लास्ट मंथ का, छोड़ गया होगा। हाँ, बाकी लोग, नवनीत सही आंसर है, वी इन होगा इस केस में। बाकी लोग बताओ मुझे इस केस का आउटपुट वी इन होगा, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। इस केस में वी नॉट वी इन के बराबर होगा, दिस विल बी वी, हाँ आउटपुट वी इन होगा। क्लियर? देखो बाकी लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं बता रहा हूँ, करंट जीरो होगी, आई जीरो, तो यहाँ पे ड्रॉप जीरो, वी इक्वल टू जीरो यहाँ पे, या वी आर लिख लो इसको, वी आर जीरो हो जाएगा। तो जब कभी पैसिव एलिमेंट, ठीक है, ये एनालिसिस बहुत जो है इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, जिसमें नेटवर्क एनालिसिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान से सुनना। कभी भी पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस, पैसिव एलिमेंट आर एल सी, कभी भी पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस अगर वोल्टेज जीरो हो चुका है, कभी भी अगर पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो चुका है, तो हम उसको शॉर्ट सर्किट जैसे कंसीडर कर सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट है, तभी वोल्टेज जीरो होगा। और क्योंकि यहाँ करंट जीरो है, इसलिए यहाँ ड्रॉप जीरो है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ शॉर्ट सर्किट एलिमेंट। तो शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या केस जो है क्रिएट होगा, दिस आउटपुट वोल्टेज इज पैरेलल टू इनपुट, क्यों? क्योंकि एलिमेंट शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा उस समय, तो वी नॉट इक्वल टू वी इन होगा, ये डायरेक्ट एनालिसिस है। इसके अलावा अगर डायरेक्ट एनालिसिस नहीं करोगे तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे वी ओ सी कैलकुलेट करो, ओपन सर्किट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ओपन सर्किट प्लस वी बी के बराबर, ये ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कैसे निकालोगे, ओपन सर्किट लूप में केवीएल लगा के, यहाँ ड्रॉप जीरो, तो ओपन सर्किट वोल्टेज में निकाल रहा हूँ, देखो माइनस टू प्लस राइज वी, प्लस टू माइनस वी ओ सी, प्लस टू माइनस वी वी इक्वल टू जीरो, तो वी ओ सी की वैल्यू होगी वी इन माइनस वी वी, और आउटपुट क्या हो जाएगा, वी नॉट वी ओ सी प्लस वी बी। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो वी ओ सी इक्वल टू वी, ठीक है। तो ये तो नेटवर्क एनालिसिस वाला पार्ट है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अगर वोल्टेज किसी भी पैसिव एलिमेंट में जीरो है, तो वी कैन कंसीडर दैट पैसिव एलिमेंट टू बी शॉर्ट सर्किटेड, कि वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है, इसीलिए ये पूरा इस ब्रांच का वोल्टेज इस ब्रांच के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, तो ये पैरेलल में हो जाएंगे दोनों ब्रांच, ठीक है। तो इस केस में वी नॉट वी इन के बराबर होगा। अब हमारे पास कंडीशन है, वी कैन ड्रॉ आउटपुट, तो आउटपुट ड्रॉ करते हैं, ये है आपकी इनपुट, ठीक है, वी इन आउटपुट ड्रॉ करना है, आउटपुट वी नॉट, कंस्टेंट वी बी है पॉजिटिव, तो यहाँ कहीं ड्रॉ किया वी बी,
ठीक है। तो अब फिर से सेम एनालिसिस को नीचे ड्रॉप डाउन करो जहां पे इंटरसेक्शन है, मतलब यहां पे वी चेंज हो रहा है, वी बी से ज्यादा या कम होगा, ठीक है, तो ड्रॉप कर लिया। तो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वी इन ग्रेटर देन वी बी है, ये रीजन है जहां वी इन ग्रेटर देन वी बी है, और बाकी सारा रीजन है वी इन लेस देन वी बी का। तो जब वी इन ग्रेटर देन वी बी है तो आउटपुट की वैल्यू क्या है हमारी, ये है केस वी इन ग्रेटर देन वी बी, आउटपुट इज वी वी बी, ठीक है। तो यहाँ डी ऑन और वी जीरो इस केस में है वी बी, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आउटपुट मिलेगा तुमको वी बी। और इस वाले केस में जब वी इन लेस देन वी बी है तो यहाँ पे डी ऑफ और यहाँ पे वी जीरो है तुम्हारा वी इन के बराबर, दिस इज वी इन, यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है वैसे ही बनाना एग्जैक्टली, ये वी इन, दिस इज आउटपुट वर्सेस टी, दिस इज इनपुट वर्सेस टी, ठीक है। जो लेवल है दे ये है वी बी और ये है माइनस वी मैक्स। ये आउटपुट प्लॉट सभी लोगों को क्लियर है क्या, या किसी को डाउट है तो डायरेक्टली मुझसे डाउट पूछो, मैंने बहुत जल्दी से कंप्लीट किया है क्योंकि हमने ये एनालिसिस ऑलरेडी कर रखा है ना, इससे पहले हमने ये सब चीजें देख रखी है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बता रहा हूँ तुम लोगों को। अब मुझे एक बार बता दो अगर किसी को डाउट है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है तो चैट बॉक्स में बताओ। क्लियर है सभी लोगों को बेटा, कुछ रिस्पॉन्ड किया करो तभी पता लगेगा, ऐसे म्यूट वाले स्टेट में मत रहो। सर वी आउटपुट वाला जो आपने सेकंड मेथड यूज किया है ना, एक बार उसको बता दीजिए। ये अच्छा देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये कंडीशन निकाली आउटपुट सेकंड केस के लिए कि वी इन लेस देन वी बी होगा तो डायोड की स्टेट होगी ऑफ, इसीलिए ओपन सर्किट कर दिया। तो क्या होता है बेटा, ओपन सर्किट में वोल्टेज जीरो नहीं होता, करंट तो जीरो होती है पर वोल्टेज कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। ऐसे ही शॉर्ट सर्किट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो हो जाता है बट करंट कुछ कुछ होती है, ठीक है। तो क्योंकि ओपन सर्किट है तो यहाँ वोल्टेज तो जो है जीरो नहीं होगा, यहाँ कुछ कुछ वोल्टेज प्रेजेंट होगा ओपन सर्किट वोल्टेज के बराबर, है ना। या ऐसे समझो कि आपके घर पे एक बैटरी है, तो बैटरी में से तुमने दोनों टर्मिनल निकाले और उस पर अभी कुछ कनेक्ट नहीं किया आपने लोड, तो क्या उसका वोल्टेज जीरो है, नहीं है। वहां आप वोल्टमीटर लगा के चेक करोगे तो वो वोल्टेज शो करेगा। तो सिंपल केस वही है, यहाँ वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज इस ब्रांच का वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इस ओपन सर्किट का वोल्टेज प्लस बायस वोल्टेज, इन दोनों के बराबर, अगर पोलैरिटी आप प्लस माइनस कंसिडर कर रहे हो ओपन सर्किट की इस तरह, तो ठीक है क्योंकि करंट नहीं है तो कभी भी कोई भी डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हो, बट मैंने जो डिफॉल्ट डायरेक्शन है ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये जो है ये साइन मैंने जो है कंसीडर किया हुआ है, ये पोलैरिटी कंसीडर किया हुआ है। इस केस में आउटपुट वोल्टेज होगा इस ब्रांच का वोल्टेज, तो ब्रांच में एक ओपन सर्किट वोल्टेज है और एक बायस वोल्टेज है, इन दोनों का सम होगा आउटपुट वोल्टेज। तो वी नॉट की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, ये वी नॉट इज इक्वल टू वी ओ सी प्लस वी बी। अब क्योंकि वी ओ सी पता नहीं है ओपन सर्किट वोल्टेज, तो नेटवर्क एनालिसिस करना होगा इस सर्किट में ओपन सर्किट कैलकुलेट करने के लिए। ओपन सर्किट कैलकुलेट करने के लिए मैं सर्किट में आता हूँ, क्योंकि यहाँ करंट जीरो है तो मैं आई इक्वल टू जीरो कंसीडर कर चुका हूँ, और यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे पैसे वहाँ पे ड्रॉप जीरो हो जाएगा, तो ये पैसे एलिमेंट का ड्रॉप जीरो हो जाएगा। या सिंपल सेंस में हम बोलें, अगर कभी भी ओपन सर्किट में वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो सारे पोटेंशियल्स को मतलब केवीएल अप्लाई कर दो, सारे वोल्टेज जो है एल्जेब्रिक सम जीरो कर दो, क्योंकि ड्रॉप जीरो होगा बाकी सब जगह, तो वो तो ऑलरेडी जीरो होने हैं। तो मैं करता हूँ केवीएल लगाता हूँ यहाँ वीन पॉजिटिव माइनस प्लस कंसीडर करके, ठीक है, फिर वी ओ सी नेगेटिव प्लस माइनस, इस डायरेक्शन में मैंने करंट कंसीडर किया, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज दोनों सेम आंसर आएगा, और प्लस माइनस वी बी, यहाँ से वी ओ सी की वैल्यू आ गई वी इन माइनस वी बी, ये मैंने प्लेस कर दिया वी ओ सी में, तो वी इन माइनस वी बी यहाँ प्लेस करोगे तो वी बी वी बी कैंसिल, वी ओ सी की वैल्यू और वी नॉट की वैल्यू वी इन हो जाएगी। ये नेटवर्क एनालिसिस से आया। ओके सर समझ गया। अब ये हो चुका है क्लिप, अच्छा इसका नाम बताओ मुझे, क्लिपर का नाम क्या होगा सर? शंट
पॉजिटिव डीसी क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपर विद, अब इसमें स्पेसिफिक बात करें तो पॉजिटिव डीसी है ना, शंट पॉजिटिव क्लिपर विद पॉजिटिव डीसी, दिस इज द नेम ऑफ दिस क्लिपर सर्किट। अब एक जल्दी से मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन हम लोग जो है बाद में करते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्रीन शेयर करके तुम लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये 2011 का है, ठीक है, ये एक बार देख के जरा ट्राई करो, 5 मिनट इसको देखते हैं फिर हम क्लैम्पर स्टार्ट करेंगे। विजिबल है सभी लोगों को क्वेश्चन? यस सर। क्लिपर सर्किट इज शोन बिलो, ठीक है, क्लिपर सर्किट बना हुआ है जहां इनपुट वोल्टेज है, एक रेसिस्टेंस है, एक डायोड, ये कौन सा डायोड है ये कोई बता सकता है? जीना, क्यों वीजेड लिखा हुआ और सिंबल जेड वाला है, जीना डायोड, और एक पैरेलल में एक सिंपल पीएन डायोड और 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, आउटपुट यहां पे मेजर कर रहा है। इसने पूछा है अज्यूमिंग फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द डायोड टू बी 0.7 वोल्ट, मतलब ये डायोड्स जो हैं, ये दोनों डायोड्स कितने कंज्यूम कर रहे हैं 0.7 वोल्ट, कब फॉरवर्ड वाइज में, ठीक है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, ऑफ डायोड्स, दोनों डायोड के फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट है, उस कंडीशन में इनपुट आउटपुट की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, V नॉट वर्सेस V I कैसे प्लॉट किया है, इनपुट हॉरिजॉन्टल आउटपुट वर्टिकल एक्सिस में, ठीक है, इस तरीके का अलग अलग ग्राफ बना हुआ है, तो खैर हम ग्राफ में नहीं जाते हैं, हम यहाँ से देख के अगर आउटपुट की बात करें तो दोनों केस में इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में मुझे थोड़ा सा जल्दी से बताओ जरा आउटपुट किस टाइप का होगा। तो पहले पॉजिटिव एनल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, आउटपुट मुझे आपको कैलकुलेट करो इस सर्किट का, 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, 2 मिनट में, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या स्टेट होगा, इससे पहले थोड़ा सा एक एनालिसिस तुम लोगों को बता दूं, जीनर डायोड ऑन कब होता है, मतलब जीनर जो है रेगुलेटर जैसे कब बिहेव करता है, When Zener diode behaves like a voltage regulator? So breakdown voltage में? Breakdown में, और breakdown किस region में होता है, forward में या reverse में? Reverse में, ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना analysis कि Zener diode की अगर बात करें तो reverse में breakdown होता है तब ये regulator जैसे behave करेगा, otherwise forward में किसके जैसे act करता है, it acts like ओपन सर्किट। हाँ, हम लोगों ने जब जीना डायोड पढ़ा था तो मैंने तुम लोगों को जीना डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी फॉरवर्ड और रिवर्स, तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है जीना डायोड की, बाकी लोग जीना डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की है, किसी को भी नहीं पता, पीएन डायोड जैसी, गुड, ठीक है, नॉर्मल डायोड पीएन डायोड जैसी, हाँ नॉर्मल पीएन डायोड जैसी है, ठीक है, तो अब करना स्टार्ट करो, ये एनालिसिस माइंड में रखते हुए करो जरा जल्दी से, मुझे सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट की कंडीशन बताओ, आउटपुट कितना होगा या कुछ कंस्ट्रेंट डिपेंडेंट होगा, Thank you.
किसी ने कैलकुलेट किया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट? अगर किया तो चैट बॉक्स में बताओ या अनम्यूट करके बताओ। जीना डायोड रिवर्स बायस किस साइकिल में होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में या नेगेटिव में? पॉजिटिव। और जीना डायोड का ब्रेकडाउन किस वोल्टेज में होगा इनपुट के? सर वीजेट के बाद। हाँ वीजेट के बाद, मतलब इनपुट अगर 10 वोल्ट से ज्यादा, मतलब उसके पैरेलल में अगर 10 वोल्ट से ज्यादा हो जाए, ठीक है, रेगुलेटर के पैरेलल में अगर 10 वोल्ट से ज्यादा का वोल्टेज आ रहा है या नोड वोल्टेज 10 वोल्ट से ज्यादा है तो वो शॉर्ट जो है वो जो है बैटरी जैसे रिप्लेस हो जाएगा और 10 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज पॉसिबल नहीं, ठीक है, आफ्टर 10 वोल्ट। हाँ तो बस ये एनालिसिस तुम लोगों को पता है पॉजिटिव हाफ साइकिल का कि 10 वोल्ट से ज्यादा अगर हुआ पैरेलल में वोल्टेज तो जीनर जीनर उस समय स्टार्ट होगा या जीनर उस समय बैटरी जैसे रिप्लेस होगा, अदरवाइज जीनर जो है ओपन सर्किट जैसे बिहेव करता है बाकी टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि करंट बहुत मिनिमम होती है, करंट मिनिमम दैट इंप्लाइज ओपन सर्किट, ऑलमोस्ट जीरो करंट होती है, हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये क्वेश्चन किसी से तो बनना चाहिए अगर थोड़ा सा जो है दिमाग लगा के पढ़ा तो, ठीक है, बस अच्छा क्वेश्चन है। दो डायोड है क्योंकि क्लिपर में, एक जीनर है और नॉर्मल पीएन डायोड है। किया किसी ने कैलकुलेट? बताओ, काफी टाइम हो गया, इसी से बन रहा है क्या? अच्छा मैं कंडीशन पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ इनपुट वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब इनपुट इंक्रीज होगा जीरो से बढ़ना स्टार्ट करेगा तो जो जीना डायोड उसकी स्टेट क्या होगी इनिशियली? जीना डायोड की स्टेट क्या होगी इनिशियली? ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट मतलब ओपन सर्किट, क्यों? क्योंकि वो रिवर्स पोटेंशियल जो है फेस कर रहा है, बट रिवर्स पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट से कम, तो वो जो है मतलब अनटिल 10 वोल्ट जीना डायोड ऑपरेट ही नहीं होगा, करंट ऑलमोस्ट जीरो होगी, तो वो ओपन सर्किट, मतलब उसको जो है ओपन सर्किट कर सकते हो आप। फिर इनपुट बढ़ते बढ़ते डायोड जो डी डायोड है, ठीक है, जो पीएन डायोड है वो कब फॉरवर्ड बायस होगा, उसकी स्टेट फॉरवर्ड बायस कब होगी? कब? लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो होगी, बट कब होगी? पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमेशा होगी। ये डायोड डी ऑन कब? जब वीन ग्रेटर देन 5 वोल्ट हो जाए। जब वीन ग्रेटर देन 5 वोल्ट हो जाए, तो जब ये डायोड ऑन हो चुका है तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे? किससे रिप्लेस? पता जल्दी बताओ सर। 5 वोल्ट डायोड ऑन होगा तो 5 वोल्ट की बैटरी लगेगी यहाँ? नो सर, वो मतलब डायरेक्ट सर्किट बन जाएगा, मतलब लाइन कनेक्टिंग लाइन लग जाएगी। कनेक्टिंग लाइन नहीं, अब देखो इससे पहले तक हमने आइडियल डायोड कंसीडर किया, ये आइडियल डायोड है क्या? इसका आइडियल, इसका फॉरवर्ड वोल्टेज जीरो है क्या? डायोड इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोगों ने देखा ना कि आइडियल डायोड है तो 0 वोल्ट से रिप्लेस करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, पर अगर आइडियल की जगह प्रैक्टिकल डायोड है जिसका फॉरवर्ड वोल्टेज दिया हुआ 0.7 वोल्ट, तो जब डायोड ऑन होगा तो वो वहां पे कितनी भी बैटरी लगेगी, एक 0.7 वोल्ट की बैटरी लगानी होगी ना आपको, इस डायोड को रिप्लेस करोगे जब। क्यों? क्योंकि डायोड का बिल्ट इन वोल्टेज दिया हुआ है 0.7, ये मैंने तुम लोगों को इक्विवेलेंट सर्किट में बताया है ना, आइडियल फिर प्रैक्टिकल फिर सिंप्लीफाइड, तीनों केसेस हम लोगों ने पढ़े हैं, तो ये जब डायोड ऑन होगा तो 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा, तो टोटल आउटपुट उस समय क्या है ये कैलकुलेट करना है तुमको, ठीक है। फिर इनपुट जब 5 वोल्ट से ज्यादा होगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, डायोड की स्टेट क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये दो चीजें,
किसी ने किया हो तो बताओ, मुझे लग नहीं रहा कि कोई आसपास भी आंसर है। किसी का भी आंसर आया क्या? यहाँ देखो, यहाँ मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, सर्किट में साथ साथ जब Vin की पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो उस समय जो जीनर डायोड है, जीनर डायोड ऑफ होगा। क्यों? ओपन सर्किट। क्यों? क्योंकि 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं है इसके पैरेलल में, या नोड वोल्टेज, क्योंकि इनपुट ही कभी 10 वोल्ट के आसपास नहीं आया, तो पॉसिबल ही नहीं, और कोई सोर्स नहीं है, तो जीनर डायोड तुम्हारा उस समय ऑफ स्टेट में होगा। क्यों? क्योंकि जीनर डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसी होती है कि करंट ऑलमोस्ट जीरो करंट है, इसलिए ऑफ, ठीक है, तो ओपन सर्किट। और पीएन डायोड की बात करें तो पीएन डायोड की स्टेट क्या होगी? पीएन डायोड में स्टेट होगी जब वीइन, ठीक है, केवीएल लगाएंगे हम उस वाले सर्किट में, तो क्योंकि बिल्ट इन वोल्टेज दिया हुआ, तो यहाँ सर्किट ऐसे बनेगा। देखो Vi, ठीक है, अब इस सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक डायोड का बिल्ट इन पोटेंशियल मैंने लगा दिया है, ठीक है, और ये बैटरी लगी हुई है, या फिर इसको डायोड ही बना लो तुम लोग ऐसे डायोड, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो 0.7 वोल्ट, इस तरीके की पोलैरिटी होती है ऑन की, वन के है। तो हम यहाँ से कंस्टेंट निकालेंगे कि जब Vi -0.7 -5 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इसका मतलब कि Vin इज ग्रेटर देन कितना होगा? 5.7, तो डायोड की स्टेट क्या होगी? ऑन, ठीक है, तो डायोड ऑन होगा, डी ऑन, तो यहाँ पे वी जीरो कैलकुलेट करना है ऐसे ही। सर इसमें रजिस्टर को क्यों नहीं कंसीडर किए, क्योंकि अभी तो करंट फ्लो करेगा ना, जब तक डायोड ऑन नहीं होगा तब तक कैसे करंट फ्लो होगा बेटा? डायोड ऑन होने के पहले तक तो ये ओपन सर्किट होगा, तो करंट जीरो है। जस्ट एज जहां पे डायोड ऑन होगा वहां पे रेसिस्टर में कुछ ड्रॉप होगा, तो हम हमेशा उस कंडीशन में डायोड पे करंट कंसीडर करेंगे, वो जीरो करंट होगी, ये ड्रॉप जीरो होगा, ये कोई भी ड्रॉप नहीं करेगा, ये जस्ट सर जब डायोड ऑन हो जाएगा तो 0.7 वोल्ट ये रहेगा। हाँ, जब डायोड ऑन होगा तो वो 0.7 वोल्ट कंज्यूम करेगा, क्लियर है? चलो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, सर्किट एक बार जरा सब लोग ठीक से देख लो ये, ठीक है, क्वेश्चन ये तुम लोगों को बनना चाहिए था। देखो जरा, ये डायोड ऑन कब होगा? जब यहां पे Vi माइनस इतना पोटेंशियल जो डायोड को ऑन होने के लिए चाहिए, अगर ये बैटरी नहीं लगी तो Vin 0.7 से ज्यादा होना चाहिए, तो Vin माइनस 0.7 ग्रेटर देन जीरो कर देता मैं, ठीक है, तो Vin ग्रेटर देन 0.7, क्योंकि ये लगा हुआ है। और यहाँ पे ड्रॉप क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हो समझो, क्योंकि अनटिल Vin इज ग्रेटर देन दिस पोटेंशियल 5.7, तब तक ये रेसिस्टेंस किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पहले तक करंट जीरो हो गया, तो जस्ट वो पॉइंट जहां पे करंट कंडक्शन स्टार्ट होगा उस पॉइंट पे यहां पे वोल्टेज जीरो है, जस्ट जहां कंडक्शन स्टार्ट होगा। इसलिए डायोड जैसे ही यहां पे आप 5.7 के बराबर पोटेंशियल दोगे तो डायोड ऑन होगा, और उस समय सर्किट में करंट फ्लो कितनी होगी? Vin माइनस 5.7 डिवाइड बाय 1 के, ये तुम्हारी करंट होगी। तो करंट बाद में जब निकल जाती है तब हम यहां ड्रॉप लिख सकते हैं, पर उस पॉइंट तक हम यहां पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर नहीं करेंगे रेसिस्टेंस में, क्योंकि इसके पहले यहां करंट जीरो है, ठीक है। तो ये लाइन क्लियर है, Vin माइनस 0.7 माइनस 5 इज ग्रेटर देन जीरो, ये स्टेट होगी डायोड की ऑन होने की, इस समय डायोड ऑन होगा Vin ग्रेटर देन 5.7 पे, डी ऑन, तो आउटपुट कितना हो जाएगा? आउटपुट इस ब्रांच में हम ले रहे हैं, तो ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, ये 5 वोल्ट है, तो वी जीरो कितना होगा? 5.7 वोल्ट, ठीक है। अब जब Vin ग्रेटर देन हो जाता है, क्या कहते हैं, Vin जो है आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है, Vin अगर 5.7 से भी ज्यादा होता है
मैंने ये वीन 5.7 है तो आउटपुट इतना है, ठीक है। वैसे ये निकल चुकी है ग्रेटर देन 5.7 में, हमेशा ये होगा, क्यों? क्योंकि हमेशा शॉर्ट सर्किट, ठीक है, तो सारी जो क्या कहते हैं करंट है वो इसी पाथ से फ्लो होगी, और ये पैरेलल वोल्टेज जो है ये इसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है, एक जीना डायोड, ठीक है। तो जीना डायोड को कभी भी ऑन होने का मौका नहीं मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, क्योंकि इसके पैरेलल में हमेशा 5.7 ही मिलने वाला है, और ये वीजेड इसका 10 वोल्ट है, तो ये कभी ऑन ही नहीं होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो जब वी इन ग्रेटर देन 5.7 है तो वी नॉट ऑलवेज कितना है, वी नॉट इज ऑलवेज 5.7 वोल्ट, ठीक है। अब सॉरी वीन 5.7 नहीं, वीन 5 वोल्ट से ज्यादा है, क्यों? वीन को आप 5 तो वीन आप 5 करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल पेनिटी लिखा होगा 5.7 वोल्ट, वीन 5.7 पे। सेकंड केस कंसीडर करते हैं वीन लेस देन 5.7 वोल्ट का, वीन अगर आपका 5.7 से कम है तो डायोड की स्टेट, ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ, ये डायोड अब ऑफ हो चुका है, ठीक है, और हम यहाँ इसके पैरेलल में आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्योंकि ये ऑफ है तो यहाँ पे करंट कितनी होगी, जीरो, अभी जो हमने सर्किट एनालाइज किया है और संट वाला क्लिपर का, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट और सॉरी करंट जीरो, तो यहाँ ड्रॉप जीरो, तो वी नॉट इस केस में कितना होगा, इस केस में मुझे वी नॉट बताओ, अभी जस्ट संट क्लिपर में हम लोगों ने सेम एनालिसिस किया है, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, Vin माइनस जो हमने कंडीशन निकाली, Vin माइनस 0.7 माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो जब Vin 5.7 से ज्यादा है तो डायोड ऑन, तो आउटपुट ये हो गया, तो मैंने लिख दिया कि Vin जब भी 5.7 वोल्ट से ज्यादा है तो आउटपुट फिक्स है, एक सेट। दूसरा सेट क्या होगा, ये वाला Vin लेस देन 5.7 वोल्ट है, उस समय डायोड की स्टेट होगी ऑफ, डायोड ओपन सर्किट, डायोड ओपन सर्किट तो करंट जीरो इस सर्किट में, यहाँ करंट जीरो, अब करंट जीरो तो यहाँ पे ड्रॉप जीरो हो चुका है, तो मुझे ये आउटपुट वोल्टेज कितना होगा कोई बता सकता है क्या, ये टोटल आउटपुट वोल्टेज इस ब्रांच के अक्रॉस है, ये आउटपुट कितना होगा, Vn के इक्वल, Vn के इक्वल होगा, जस्ट अभी तो एनालाइज किया है, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये वाली ब्रांच पैरेलल में हो जाएगी, ये किसी काम की नहीं, ये हट चुकी है, ठीक है, जेनर डायोड उस समय ऑन ही नहीं, तो मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंप्लीटली जेनर डायोड ऑफ स्टेट में है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की मैं बात करता हूँ, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में जब आप इनपुट दोगे तो ये डायोड पहले से रिवर्स बायस है, तो ये ओपन सर्किट है, ठीक है, और अपने यहाँ नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव में अगेन अगेन क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो इस कारण, इस इनपुट के कारण भी ये डायोड रिवर्स बायस, तो ये डायोड हमेशा रिवर्स बायस होगा, ओपन सर्किट, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं इस डायोड की, तो इस डायोड की स्टेट कैसे डिसाइड करनी, तो ये ब्रांच तो हमेशा ओपन सर्किट है, पर अब दूसरा डायोड भी लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा डायोड कौन सा है, पीएन डायोड, सॉरी जीना डायोड है, जीना डायोड रिवर्स बायस, तो जीना डायोड की रिवर्स बायस की स्टेट अब देखते हैं, जीना डायोड अगर तुमने रिवर्स बायस जो है किया हुआ है माइनस यहाँ और प्लस यहाँ, तो ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि जीना डायोड को अगर आप इस तरीके से इनपुट देते हैं जीना डायोड के, एन को नेगेटिव और पी को पॉजिटिव, तो अब ये ऑन का मतलब अब ये फॉरवर्ड बायस होगा जीना डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में, और ये किसके जैसे एक्ट करेगा, नॉर्मल पीएन डायोड जैसे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, तो जीना डायोड अगर रिवर्स बायस होता है तो वो रेगुलेटर जैसे बिहेव करेगा, अदरवाइज फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स सेम एज पीएन डायोड, ये पीएन डायोड की करेक्टरिस्टिक्स। तो इस जीना डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज होगा, क्योंकि इसने लिखा हुआ है दोनों डायोड के फॉरवर्ड वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पे पी में पॉजिटिव और एन में नेगेटिव 0.7 वोल्ट, जैसे ही डायोड ऑन होगा तो इतना इसका कट जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, इतने की बैटरी लग जाएगी और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट पैरेलल में एक 0.7 वोल्ट की बैटरी, पोलैरिटी ऐसे पी के साइड पॉजिटिव एन के साइड नेगेटिव, तो इस कंडीशन में जब वीन लेस देन 0.7 वोल्ट है तो आउटपुट की वैल्यू नेगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, नेगेटिव हाफ में Vin जब आप चेंज कर रहे हो तो V नॉट कितना होगा, नेगेटिव हाफ ऑफ Vin में V नॉट की वैल्यू कितनी होगी,
यहां से देख के बताओ, नेगेटिव हाफ में ये ऑन हो चुका है और आपने इसको बैटरी से रिप्लेस किया है, ये वाली ब्रांच ओपन सर्किट है, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसके बराबर होगा, यहाँ जो पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल कितना है, ये पोलैरिटी हम आउटपुट की अगर बात करें तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव लगा हुआ इस तरीके से, बट इस ब्रांच में यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है, तो वी नॉट की वैल्यू होगी माइनस 0.7 वोल्ट। ठीक है, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप करेक्टरिस्टिक्स में आके देखो तो ज्यादा क्लियर होगा। नेटवर्क एनालिसिस थोड़ा सा जो है पढ़ो, है ना, क्योंकि ये टॉपिक जो है इसमें नहीं बता सकते एनालिसिस, क्योंकि तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आ रहा नेटवर्क का, तो समझ नहीं पा रहे आउटपुट। ठीक है, देखो ये वाला केस, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, इसी में हम एनालिसिस करते हैं। ये वी आई वाली लाइन है और ये वी नॉट की, जब वी आई पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप बढ़ाते हो, तो वी आई जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में बढ़ाओगे तो 5.7 वोल्ट तक, ठीक है, जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट मिलेगा। हमने लिखा है कि इनपुट अगर 5.7 वोल्ट से कम है, ठीक है, ये कॉपी में इनपुट अगर 5.7 वोल्ट से कम है तो जितना आउट इनपुट है उतना ही आउटपुट मिलेगा, वी नॉट इक्वल टू वी इन, तो ये एज इट इज मिल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और जब इनपुट 5.7 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो आउटपुट ट्रंक हो जाएगा, आउटपुट ट्रंक एट 5.7 वोल्ट, स्ट्रेट लाइन कॉन्स्टेंट, ठीक है, 5.7। अब नेगेटिव में आते हैं, नेगेटिव में जब आप नेगेटिव वोल्टेज दोगे तो वी इन की वैल्यू नेगेटिव होते ही जीना डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और उसके अक्रॉस ड्रॉप फिक्स माइनस 0.7 वोल्ट, ये माइनस 0.7 वोल्ट फिक्स वोल्टेज, ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स होगी। इसको एक बार घर पे जाकर फिर से देखना, बहुत सारे डाउट्स है तुम लोगों के अभी, और नेटवर्क एनालिसिस में टाइम लगेगा और डिटेल में मैं नहीं बता रहा, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर नहीं समझ में आएगा तो मुझे ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी मैं स्टार्ट करता हूं। सर जब Vin ग्रेटर देन 5.7 हो जाएगा, हां, तो सर उसमें तो डायोड ऑन हो जाएगा, तो सर उसे उसका रेजिस्टर का मतलब और एनालिसिस करने के लिए रेजिस्टर का तो करंट वो लेना पड़ेगा ना, रेजिस्टर के थ्रू करंट। अच्छा एक बार बताओ, जैसे ही डायोड ऑन हुआ, ठीक है, यहां एक क्वेश्चन में ऊपर, जैसे ही ये डायोड ऑन हुआ, ये डायोड ऑन हुआ तो यहाँ पे एक बैटरी लगेगी 0.7 वोल्ट की, तो इस ब्रांच में जो तुम बोल रहे हो उससे सिर्फ करंट चेंज होगा, ठीक है, इस लूप में सिर्फ करंट चेंज होगा इस रेसिस्टेंस के एग्जिस्टेंस से, कि ये पोटेंशियल इस ब्रांच का जो वोल्टेज है, ब्रांच वोल्टेज चेंज हो सकता है। सर अगर वो केवीएल लगाएंगे तो नहीं सर, नहीं कुछ भी लगा लो, केवीएल केसीएल मेश नोडल कुछ भी लगाओगे तो ये आउटपुट चेंज कभी भी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। इस ब्रांच का वोल्टेज क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रांच में कोई भी पैसिव एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, मतलब डायोड तो लगा है बट डायोड क्योंकि फॉरवर्ड बायस है तो वो बैटरी से रिप्लेस हो गया है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चेंज हो रहा है, करेंट चेंज हो रही सर्किट में, आई चेंज होगी, तो 1K के कारण यहाँ पे करंट इनपुट चेंज हो रहा है, तो करंट हमेशा चेंज होगी और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप चेंज होते जाएगा ऑन होने के बाद, सारा जो एक्स्ट्रा ड्रॉप है, मतलब कि अपन जो बोल रहे हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स में कि डायोड के अक्रॉस तो सिर्फ ये डायोड के अक्रॉस तो सिर्फ 5.7 है, बाकी वोल्टेज कहाँ जा रहा है, बाकी वोल्टेज यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है एक्स्ट्रा वोल्टेज, तो यहाँ इस ब्रांच में हमेशा फिक्स वोल्टेज होगी, जितनी भी एक्सेस वोल्टेज है वो ये पैसिव एलिमेंट रेसिस्टेंस कंज्यूम करते जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ब्रांच जो है फिक्स्ड है, यहाँ पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, जब तक ये डायोड ऑन है तब तक ये 0.7 वोल्ट की बैटरी होगी और 5 वोल्ट की बैटरी पहले से लगी हुई है, तो टोटल वोल्टेज 5.7 पे फिक्स होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। ओके ठीक है, ये थोड़ा सा तुम लोगों में कंफ्यूजन जो है ज्यादा क्रिएट हुआ है नेटवर्क के कारण, ठीक है, बट फिर भी तुम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ो यार, ये नेटवर्क एनालिसिस में तुम लोगों की बहुत दिक्कत है, ये मैंने ऑब्जर्व किया क्लास में। अब स्टार्ट करते हैं क्लैंपर, क्लैंपर्स और क्लिपर दोनों में मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि दीज आर वेव शेपिंग सर्किट, हम इनको वेव शेपिंग के लिए यूज करते हैं। वेव शेपिंग में क्लैंपर का कैसे कंट्रीब्यूशन है, तो पहले मैं बात करता हूँ एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं क्लैंपर में। एलिमेंट जैसे हमने अभी देखा हुआ है, डायोड होगा, रेसिस्टर होगा, इनपुट सोर्स होगा, इसके अलावा डीसी वोल्टेज
होंगे, और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसके कारण क्लैंपर फॉर्म होता है, दैट इज कैपेसिटर। ठीक है, तो मेन इज कैपेसिटर, डायोड रेसिस्टेंस, इनपुट सप्लाई, डीसी वोल्टेज, एंड अदर देन दिस मेन रोल इज, मेन रोल जो होगा वो है कैपेसिटर का। कैपेसिटर के कारण हम क्लैंपिंग अचीव करते हैं। क्लैंपिंग क्या होती है? क्लैंपिंग का मतलब होता है कि डीसी लेवल चेंज करना। डीसी लेवल, ये तुम लोगों को कंफ्यूजन है डीसी लेवल का, तो डीसी लेवल ऐसा है, देखो कल हम लोगों ने जस्टर्स यादव में भी देखा, ये है माइनस वी मैक्स से प्लस वी मैक्स का स्विंग इनपुट वोल्टेज का, ये इनपुट है। तो डीसी हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू जो होगी इस सिग्नल की, जैसा हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में कैलकुलेट किया है डीसी, तो इसका डीसी कितना होगा? इसका डीसी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ का एरिया लेकिन दोनों ऑपोजिट हैं, तो डीसी जीरो होगा। तो साइनसोइडल की डीसी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती। हाफ वेव रेक्टिफायर में डीसी पॉजिटिव इसलिए आता है कि नेगेटिव जीरो या नेगेटिव है पॉजिटिव जीरो, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो है डीसी वैल्यू हो सकती है। और फुल वेव रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, इसलिए एवरेज चेंज हो जाता है। तो डीसी इज नथिंग बट एवरेज, एक टाइम पीरियड का एवरेज, एक साइकिल। अब अगर मैं इस टाइप की वेव बना दूं, ठीक है, मतलब ये सिमेट्रिक तो है बट अब ये ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिक नहीं है, ये कुछ वी वोल्ट पे सिमेट्रिक है। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ इस टाइप के आउटपुट तो क्या नहीं देखे, जहाँ सेम वेव क्लिपर में देखा है बट वहां पे वेव डिस्टॉर्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिमेट्री सिटी जो है, ये सिमेट्रिक नेचर इसका अबाउट एक्सिस नहीं है, ओरिजिनल एक्सिस अबाउट सम पॉजिटिव वोल्टेज भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका पॉजिटिव एरिया ज्यादा है, नेगेटिव एरिया कम है। तो जब पॉजिटिव एरिया ज्यादा होगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जब पॉजिटिव एरिया ज्यादा होगा नेगेटिव से, तो डीसी कितना होगा? पॉजिटिव, वी डीसी जो है पॉजिटिव होगा या डीसी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ऐसे ही अगर मैं नीचे बना दूं वेव फॉर्म, तो नेगेटिव पोर्शन ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव कम हो जाएगा, तो भी सिमेट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इस टाइप के वेवफॉर्म जो साइनसोइडियल ही है नेचर में, बट उनका लेवल या तो ये ऊपर शिफ्ट हो गए हैं या नीचे शिफ्ट हो गए हैं। तो क्लैंपर का काम होता है इस वेवफॉर्म को ऊपर शिफ्ट करना या नीचे शिफ्ट करना, या इसको हम शिफ्टिंग को बोलते हैं डीसी ऐड करना, ठीक है, या डीसी सब्सट्रैक्ट करना, या पॉजिटिव डीसी ऐड करना और नेगेटिव डीसी ऐड करना। क्लियर है ये पॉइंट सभी लोगों को कि क्लैंपर में हम बेसिकली वेवफॉर्म का लेवल चेंज कर रहे हैं, वेवफॉर्म को ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लेके आते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ ऊपर लेके जा रहे हैं, इट मीन्स आई एम एडिंग पॉजिटिव डीसी इन द वेवफॉर्म, और अगर वेवफॉर्म को नीचे लेके आते हैं, इसका मतलब आई एम एडिंग नेगेटिव डीसी इन द वेवफॉर्म। तो डीसी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक नॉर्मल वेवफॉर्म साइनसोइडियल जो सिमेट्रिक होती है, जो हम पढ़ते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू जीरो होती है। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो सिमेट्रिसिटी चेंज होगी, इट मींस पॉजिटिव डीसी ऐड कर रहे हैं या नेगेटिव डीसी ऐड कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को? आगे बढ़े, क्लैंपर में आते हैं। ठीक है, सिंपल क्लैंपर। अब देखो क्लैंपर क्लिपर से थोड़ा सा अलग है, अलग है इन द सेंस कि एनालिसिस उसका अलग है, कैपेसिटर लगा हुआ पहला तो, और इनपुट डिपेंडेंट है। साइनसोइडियल स्केयर के लिए थोड़ा अलग एनालिसिस है, तो पहले मैं स्केयर के लिए बताऊंगा, आसान है वो, है ना, उसको समझ जाओगे तो फिर मैं साइनसोइडियल इनपुट के लिए केस तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो मतलब वर्किंग जो हम लोग लिखते हैं वो थोड़ी सी अलग होगी, बाकी आउटपुट पैटर्न बिल्कुल सेम होंगे, जैसा स्केयर के लिए बनाते हो वैसे ही साइनसोइडियल में होगा, बस थोड़ा सा एनालिसिस अलग होगा। तो एक केस कंसिडर करते हैं हम पहले, दिस इज कैपेसिटर सी, इनपुट वी इन, डायोड डी, आउटपुट अक्रॉस डायोड वी नॉट, ठीक है, ये वी नॉट है, और साइनसोइडियल इनपुट, सॉरी साइनसोइडियल कंसीडर नहीं करना है पहले वाले केस में, हम करते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये है इनपुट, तो क्यों किया है ये साइनसोइडियल के एनालिसिस में, तुम लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगा कि पहले केस में हमने स्क्वायर कर लिया है, ये माइनस प्लस बी मैक्स, ये माइनस बी मैक्स। अब
मुझे ये बताओ, फिर से इनपुट की दो साइकिल होंगी, एक साइकिल में डायोड ऑन, दूसरी साइकिल में ऑफ, ठीक है, जैसे एनालिसिस अभी तक किया। तो ये एनालिसिस करने के पहले हम कुछ केसेस कंसीडर करते हैं। जीरो है ये, ये टी बाय टू है, टाइम पीरियड से, ठीक है। एक चीज रह गया, एक कंपोनेंट रेसिस्टेंस आर, ये भी लगा हुआ आर है ना पैरेलल में, इसको आर कर देते हैं। और ये है डायोड डी, ये सर्किट आपका। तो ये आर मैंने नहीं बनाया था, आर मैंने बना दिया एक्सटेंड करके। तो वी आर कैलकुलेटिंग वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर या डायोड, दोनों समझ सकते हो। तो इनपुट की दो साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नेगेटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो डायोड की स्टेट क्या होगी पॉजिटिव हाफ में? ऑन होगा, देखो जरा ध्यान से, दिस इज वीन, वीन की पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये प्लस और यहां माइनस, क्यों, यहां प्लस और यहां माइनस, पी कनेक्टेड टू प्लस, तो बाकी कोई भी सप्लाई नहीं है, सोर्स नहीं है। तो डायोड जो है, जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये शॉर्ट हो जाएगा, आइडियल डायोड है, ठीक है, समझना जरा ध्यान से। हाँ सर, ये जो वी मैक्स है वो कांस्टेंट है डीसी की तरह, तो कैपेसिटर इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेगा? कैपेसिटर इंसुलेटर की तरह क्यों काम करेगा? साइनसोइडल है बेटा ये। सर वी मैक्स जो पॉजिटिव हाफ साइकिल बोल रहा है वो, हाँ वो बता रहा हूँ उसको, जब डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, पहली बात तो इंसुलेटर नहीं बोलते उसको, जो कैपेसिटर का बिहेवियर होता है, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है एक्ससी, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 1/ωc या 1/2πfc, ठीक है। तो एक्ससी इज फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट। डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी हम बोलते हैं जीरो। डीसी क्या होता है? डीसी, डीसी विथ एफ इक्वल टू जीरो, एसी एफ हाई वैल्यू। तो कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस है, या इसको मैं सिंपल बोलूं इम्पीडेंस जो है, जो कैपेसिटर इम्पीडेंस ऑफर करता है डीसी और एसी के लिए, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तुम्हारा डाउट ये है एक्चुअली कि डीसी, क्योंकि ये मुझे डीसी जैसे दिखाई दे रहा है, बट डीसी क्या बोलते हैं, जब ये कांस्टेंट लेवल मेंटेन करके रखे तो चेंजिंग है, ये साइनसोइडल है, इसकी दोनों साइकिल आ रही है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है, और ये बार बार चेंज हो रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज हो रहा है, क्लियर, ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज हो रहा है। तो पहली चीज, ये डीसी नहीं है, दिस इज नॉट डीसी, ये आपको इस लेवल पे कांस्टेंट जरूर दिखाई दे रहा है, बट इसके बाद ये चेंज हो रहा है। और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत स्मॉल टाइम पीरियड है, ये मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स में है, इसलिए फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी इनपुट है। साइकिल जो आती है हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज की साइकिल होती है, मतलब एक सेकेंड में 50 साइकिल्स होती हैं, समझो कितनी जो है ज्यादा साइकिल है, एक सेकेंड में 50 साइकिल होंगी, 50 पॉजिटिव और 50 नेगेटिव इनपुट की, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल हमारे जो घर पे आता है उस टाइप की साइकिल है, जहाँ ऑल्टरनेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम डीसी इसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है, डीसी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये डीसी नहीं है, पहली चीज। अब यहाँ पे जो एनालिसिस तुम्हारा जो डाउट है, डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी अगर जीरो है, तो फ्रिक्वेंसी जीरो रखोगे तो इम्पीडेंस ऑफर हो जाएगा इन्फिनाइट, तो डीसी के लिए डीसी फ्रिक्वेंसी के लिए या डीसी सोर्स के लिए इन्फिनाइट इम्पीडेंस ऑफर करता है कैपेसिटर, और इसके लिए हाई के लिए लो या जीरो बोलते हैं, ठीक है। आइडियल केस में एफ इनफिनाइट कंसीडर करेंगे, उसको हम लिखते हैं लो इम्पीडेंस। तो क्योंकि कैपेसिटेंस डीसी और एसी को अलग अलग इम्पीडेंस ऑफर करता है, तो कैपेसिटर डीसी के केस में ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट हाई इम्पीडेंस, इनफाइनाइट इम्पीडेंस ओपन सर्किट, लो इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो एनालिसिस है वो डीसी वाला है, ये यहाँ पे डीसी, इसको मतलब कंफ्यूज मत हो जाओ, दिस इज नॉट डीसी, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करेंट, और ऑल्टरनेटिंग करेंट है मतलब कि ये वाला केस है लो एसी के केस में। अब अगर आइडियल केस होता तो एफ जब इनफिनाइट है तो ये जीरो होगा, उस समय ये शॉर्ट सर्किट, बट क्योंकि ये फाइनाइट इम्पीडेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है, फाइनाइट इम्पीडेंस, तो ये सर्किट में प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट कैसे होगा कि ये चार्जिंग होगी कैपेसिटर की, कैपेसिटर चार्ज होगा सोर्स से, ठीक है। और कुछ डाउट था मैं? No, sir, clear. हाँ,
तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जीरो से लेकर टी बाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उस समय तक डायोड की स्टेट पी कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड कनेक्टेड टू नेगेटिव है, तो डायोड हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो ये नया सर्किट नीचे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर, डायोड इज शॉर्ट सर्किटेड और डायोड के पैरेलल में है एक रेसिस्टेंस आर, इसी के प्लस हमें कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। तो ये बताओ मुझे, अब यहाँ पे इनपुट के लिए दो पाथ हैं, एक ये वाला पाथ है और एक ये वाला पाथ है करंट फ्लो होने के लिए। क्लोज लूप दो तरीके से बन सकते हैं, वी सी आर वाला पाथ और एक वी सी वाला पाथ। कौन सा पाथ प्रेफर करेगा करंट? करंट किस पाथ से फ्लो होगी, ये पहले वाले पाथ से या दूसरे वाले पाथ से, बताओ जल्दी से बताओ। हाँ, करंट विल प्रेफर दिस लूप या दिस पाथ फर्स्ट वन, क्यों? क्योंकि ये लो इंपीडेंस ऑफर कर रहा है, ये शॉर्ट सर्किट है। तो इस पॉइंट के आगे जब जैसे ही ब्रांच डिवाइड होगी यहां और यहां, तो करंट हमेशा लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ प्रेफर करती है, तो सारी की सारी करंट यहां से आ जाएगी। तो हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट इस तरीके से फ्लो होगा, इस तरीके से। तो ये कैपेसिटर जो है उस समय चार्ज होना स्टार्ट कर जाएगा इस इनपुट से, ठीक है। और चार्ज कैसे होगा, जैसे कैपेसिटर को चार्ज करते हैं पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव क्योंकि ये प्लस से लगा हुआ है। तो वीइन चार्ज होगा और चार्ज कितना होगा, वी सी, यहाँ पे वी सी की अगर मैं बात करूँ, कैपेसिटर वोल्टेज वी सी, वो कितना होगा, केवीएल लगा के निकाल सकते हैं हम। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये करंट है तो माइनस टू प्लस राइज पॉजिटिव भी है और प्लस टू माइनस फोर नेगेटिव, वी सी इक्वल टू जीरो, तो वी इन की वैल्यू वी सी के बराबर होगी। तो कैपेसिटर कंप्लीटली वी इन की मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्स तक चार्ज हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, वी इन के बराबर होगी या वी मैक्स होगी अगर आप वेवफॉर्म से लिखोगे तो, वी सी की वैल्यू वी मैक्स होगी। ये क्लियर है, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब बात करते हैं अगली साइकिल की, नेगेटिव हाफ साइकिल की, ठीक है। तो पहले इसी सर्किट में देखो यहाँ पे, अब क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है इस तरीके से VC, ठीक है, तो इस नए वाले सोर्स, ये नया वाला जो चार्ज है कैपेसिटर का, ये डायोड को रिवर्स करने की कोशिश करेगा, पर जब तक Vin इसके बराबर है तो डायोड रिवर्स नहीं होगा। पर अब रिवर्स, जो रिवर्स साइकिल है या नेगेटिव हाफ साइकिल है, सॉरी नेगेटिव हाफ साइकिल है, पोलैरिटी ये माइनस होगा और ये प्लस, तो डायोड सप्लाई के कारण तो रिवर्स है और कैपेसिटर के कारण भी रिवर्स है। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड हमेशा रिवर्स बायस होगा, ठीक है। तो जल्दी से एक सर्किट बनाते हैं रिवर्स बायस का। तो रिवर्स बायस में साइकिल क्या होगी, माइनस प्लस ये वी और ये कैपेसिटर चार्ज है, प्लस माइनस वी सी तक, ठीक है, और ये तुम्हारा डायोड ओपन सर्किट आइडियल डायोड और यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ हम आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं वी नॉट। तो अब क्या होगा, अब करंट इस रेसिस्टेंस वाले पाथ से फ्लो होगा और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा इस रेसिस्टेंस से, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, पर टाइम कांस्टेंट तुम लोगों ने एक सुना होगा, टाइम कांस्टेंट टाउ जो है आरसी सर्किट का, वो होता है आरसी, कैपेसिटर जहां लगा है आर के साथ तो वो कांस्टेंट होता है, टाउ इक्वल टू आरसी निकाला जाता है नेटवर्क एनालिसिस में निकलता है, ठीक है, टाउ इक्वल टू आरसी। ये टाइम कांस्टेंट जो है डिस्चार्जिंग के टाइम का, क्यों, इस समय कैपेसिटर चार्ज होकर यहां से डिस्चार्ज हो रहा है, तो टाउ डिस्चार्ज लिख रहा हूं मैं इसको, टाउ डिस्चार्ज। चार्जिंग कहाँ पे होगा, चार्जिंग इस वाले पाथ से था जहां रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ टाउ चार्ज कितना होगा आर और सी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस ब्रांच में आर नहीं है तो ये आर जीरो, तो टाउ चार्जिंग जीरो, जीरो टाइम पे चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, कैपेसिटर सडनली चार्ज होगा, जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस करोगे डायोड, जैसे ही शॉर्ट हुआ ये तुरंत जो है मैक्सिमम चार्ज, क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज मैक्सिमम है, एट जीरो टाइम पे ये इंक्रीज होकर यहाँ तक आ चुका है, तो कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर जीरो है आइडियल केस। प्रैक्टिकली यहाँ फाइनाइट रेसिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं, इवन इफ दिस इज मेटेलिक
ठीक है, यहाँ पर रेसिस्टेंस होगा फाइनाइट, तो टाउ चार्जिंग फाइनाइट होगा, ठीक है, बट आइडियल केस में बहुत कम चार्जिंग टाइम या चार्जिंग टाइम जीरो होगा, तुरंत ये चार्ज हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही तो ये हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे लिखते हैं, जब चार्ज हो रहा है तो जो टाउ है वो चार्जिंग कहलाएगा, ये बात चार्जिंग वाला था तो हमने इसको टाउ चार्ज लिखा है। टाइम कॉन्स्टेंट कैसे निकाला, सील लगा हुआ है, आर यहाँ कुछ भी नहीं तो आर को जीरो मान लिया, और डिस्चार्जिंग में ये वाला पात है, तो हम एक हाई इम्पीडेंस लगाते हैं या हाई लोड लगाते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि डिस्चार्जिंग टाइम बहुत हाई है आर सी, तो टाउ यहाँ पे हम बोलते हैं कि टाउ डिस्चार्ज बहुत हाई है, और वो हाई कितना है, कम से कम टाइम पीरियड जो है उसके हाफ से ज्यादा है, मतलब जो आपकी इनपुट की साइकिल है उसकी हाफ साइकिल से ज्यादा टाइम लगेगा इसको डिस्चार्ज होने में, मतलब अगली साइकिल आ जाएगी उतनी देर में पॉजिटिव की, जो आपकी इनपुट है वो इस तरीके से है। तो ये यहाँ पे चार्ज हुआ, यहाँ वो डिस्चार्ज होता, पर ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाए उसके पहले ही पॉजिटिव साइकिल आ गई, तो यहाँ फिर से ये चार्ज होने लगेगा कैपेसिटर, तो अगेन तो ये चार्ज रिटेन करेगा कैपेसिटर, इसका मतलब ये है कि डिस्चार्जिंग टाइम इज मच मच ग्रेटर देन टी बाई टू, या डिस्चार्जिंग टाइम इज ग्रेटर देन टी बाई टू, दैट इंप्लाइज कि कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा सर्किट में कभी, ठीक है, या डिस्चार्जिंग होने के पहले ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी और ये फिर से चार्ज होगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, टाइम भी नहीं है। इस कंडीशन में हम लोगों को आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो अभी क्योंकि टाइम हो चुका है इसको मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा, है ना, थोड़ा सा जल्दी से बताने में दिक्कत होगी। जितना मैंने बताया है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों साइकिल थोड़ा ध्यान से देखना, और कल वाली क्लास में जो भी कंफ्यूजन होंगे वो मुझे बताना, ठीक है, अभी एंड करते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास आप लोगों की मैथ्स की है, हाँ हाँ इसीलिए, ठीक है।